हेलो, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को होम्योपैथिक में चेहरे की त्वचा का फट जाना, सूख जाना, एड़ियों का फट जाना, उस सब के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन और ये किस कारण से फटता है इसको हम बताएंगे। ये सर्दियों में कॉमन प्रॉब्लम है जो हर घर में होता है ये प्रॉब्लम। तो आखिर चेहरा ड्राई, स्किन फट के जाता है, तो इसका कारण है कि सर्दियों में ठंडी हवा बहती है और नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो जब ठंडी हवा बहती है तो वो ड्राई ज़्यादा होता है और शरीर के त्वचा से जो नमी है वो ले लेती है, वो प्लेट कर देती है। इस कारण से त्वचा जो है वो फट जाता है, सूख जाता है। किसी किसी का हाथ में त्वचा फट जाता है, इचिंग होता है, किसी किसी को ये जेनेटिकल प्रॉब्लम भी होता है सर्दियों में त्वचा का फट जाना, ड्राई हो जाना। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन, तो हम होम्योपैथिक में मेडिसिन बताने जा रहे हैं। फास्टली सर्दियों के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन पेट्रोलियम है। आप मार्केट से जाएं और पेट्रोलियम ले लें 30 पावर, सुबह, दोपहर, शाम दो दो बूंद खाएं। और भी बहुत सारे होम्योपैथिक में दवा हैं, रिमेक्स है और भी बहुत सारे दवा हैं, लेकिन हम एक दवा बस पेट्रोलियम बता रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम 30 पावर में दो दो बूंद खाएं। और एक क्रीम ले लें होम्योपैथिक, कैलेंडुला एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये दो चीज लगाएं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी फिजिशियन से आप संपर्क करें। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे भी इस तरह का हम वीडियो देते रहेंगे।